पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आया कहां से है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस किसी भी तरह की हो सकती है, सपोज x प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू सिक्स, वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू इलेवन और x प्लस जेड इक्वल्स टू टू वाई। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास में ये तीन जो है लीनियर इक्वेशंस है, तो इन तीन लीनियर इक्वेशंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो हम उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस हो जाती हैं तो उन्हें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए जब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना शुरू किया तो हम क्या चाहते हैं कि किसी आसान तरीके से ही हमसे सॉल्व हो जाए, तो उसे ढूंढते हुए ये कॉन्सेप्ट आया मैट्रिसेस का। तो जब इन इक्वेशंस को आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की गई तो वहां से मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आया है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम ले रहे हैं अभी तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त हैं, पहला है टिंकू, दूसरा है मिंकू और तीसरा है रिंकू। मान लेते हैं ये तीन दोस्त हैं। मैंने लिखा है कि टिंकू एक दोस्त है, मिंकू है और रिंकू है, ये तीनों दोस्त हैं। टिंकू की पांच गर्लफ्रेंड है और वो उनसे 10 घंटे बात करता है, यानी कि 10 घंटे चैटिंग करता है। अब मिंकू की 3 गर्लफ्रेंड है और उनसे वो 11 घंटे बात करता है, 10 आवर्स, 11 आवर्स। रिंकू की 2 गर्लफ्रेंड है और वो उनसे 14 घंटे बात करता है। तो हमने लिए हैं तीन दोस्त हैं, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है और उनसे 10, 11 और 14 घंटे इस तरीके से ये बात करते हैं। तो अब मैंने लिखा है इसको सेंटेंस की फॉर्म में, ये एक सेंटेंस है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टेबल की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये तो हो गए इनके नाम, ये क्या थी गर्लफ्रेंड और ये क्या थे आवर्स। तो ये बन गई इनकी टेबल। टिंकू की 5 गर्लफ्रेंड है, उससे 10 घंटे बात करता है, इसी तरीके से मिंकू के लिए भी है और रिंकू के लिए भी है। अब ये क्या थी, पहले तो हमने सेंटेंस फॉर्म में लिखा था, अब ये है टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में हमने लिखा है। अब टेबल में हो सकता है मैं इन दोनों चीजों को यहां पर लिख दूं और इनके नाम जो है वो मैं इस साइड लिख दूं, या फिर इन दोनों को यहां लिख दूं और इसे यहां लिख दूं। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं इनकी गर्लफ्रेंड्स और आवर्स और यहां पर हम इनके नाम लिख देते हैं। पहला कौन था भाई, टिंकू, मिंकू और रिंकू। टिंकू की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, 5 गर्लफ्रेंड थी, उनसे 10 घंटे बात करता है। इसकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी, उसे 11 घंटे बात करता है। रिंकू की 2 गर्लफ्रेंड्स थी, उसे 14 घंटे बात करता है। तो हम इस तरीके से भी टेबल को बना सकते हैं। अब अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो बड़ा सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी नंबर्स हैं उनको उठा के एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो। इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। This type of arrangement is called as matrix. इसी को हम matrix बोलते हैं, या फिर इससे पहले जो हमने table बनाई थी वो इस तरीके से थी, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, matrix। यानी एक order में हमने इनको arrange कर दिया है,
इस तरीके से नंबर्स को और इसको हमने डाला है इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स। अब जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स क्या है, हम इस तरीके से लिख देते हैं 5, 10, 3, 11, 2 और 14। तो अब ये क्या है? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट क्या है? नंबर्स प्रेजेंट है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, ये इन सबको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। जनरली जो आपको बुक में लिखा हुआ दिखेगा वो होगा एलिमेंट्स, तो इन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इन सब एलिमेंट्स से मिलके ये मैट्रिक्स बना हुआ है जिसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर डाला है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर दो तरह की लाइंस हैं, एक तो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से है। तो एक तो हो गई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से लेटा हुआ है, वर्टिकल मतलब इस तरीके से यानी कि खड़ी हुई लाइन है। तो इसमें दो तरीके से लाइन है, एक तो है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी ये वाली जो इस तरीके से है, इनको हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइन है इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो ये जो है ये क्या हुई? रो, हॉरिजॉन्टल है तो ये हो गई रो आर वन। हम वन नाम दे देते हैं क्योंकि इसके अलावा और भी रो है इसमें। अब ये भी हॉरिजॉन्टल है तो हम इसको क्या नाम देंगे? आर टू, क्योंकि ये सेकेंड रो है। ये थी फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो। अब ये भी क्या है? ये भी रो है। अब हम इसको नाम देंगे आर थ्री, ये है थर्ड रो। अब जो इस तरीके से लाइन है इसको हम बोलेंगे कॉलम, तो कॉलम को हम लिखते हैं सी, कैपिटल सी, और इसको नाम देंगे वन, सी वन, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से ये क्या होगा? कॉलम नंबर टू, तो इसको हम लिखेंगे सी टू। तो इसके अंदर 1, 2, 3 तीन क्या है? रो, और दो क्या है? कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है? रोज है 3 और कॉलम्स हो गए 2। और जो कोई भी मैट्रिक्स होती है, हम ले लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम जो डिनोट करते हैं वो हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे मैट्रिक्स को, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। वो ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से किसी भी मैट्रिक्स को। अगर हम इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स को साथ में दिखाना चाहते हैं तो वो हम दिखाएंगे अब बी से। ये हो गई ए मैट्रिक्स, ये हो गई बी मैट्रिक्स, इस तरीके से। अब हम लिख लेते हैं इनके एग्जांपल्स। तो सिंपल नंबर्स के अलावा आप किसी भी तरीके से देख सकते हो मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स के अंदर हो सकता है -1, 0, √3, 5/2, 0, 1 इस तरीके से एक मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स हम लिख देते हैं √6, 3, 2, 0 ये हमने दो मैट्रिक्स इस तरीके से लिख दी हैं। अब इस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? रोज क्या होती है? इस तरीके से ऐसे ऐसे हम जाएंगे तो ये क्या होंगी? रोज। अगर ऐसे से जाएंगे तो कॉलम्स। तो हमारे दिखना है कि इसमें रोज कितनी है। अब इसमें ये एक रो है, एक ये रो है और एक ये रो है। तो 1, 2 और 3 तीन रो हो गई, और कॉलम कितने हैं? एक ये रहा, एक ये रहा। तो यानी कि इसमें कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। तो 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। आप इसके अंदर देखते हैं 1, 2 ये दोनों तो क्या हो गई? रो। तो रो हो जाते हैं इसमें 2 और कॉलम इसके अंदर हो जाते हैं, ये हो गया फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। अब हम ये क्यों देख रहे हैं रोज और कॉलम्स को? अब मैं एक जनरल मैट्रिक्स को लिख देती हूं।
अब मेरे को नहीं पता है कि इस मैट्रिक्स में कहां पर कौन सा नंबर है, मैंने सिंपल उनकी पोजीशन को क्या है डिफाइन कर दिया है, यानी कि मैं कह रही हूं कि यहां पर भी एक नंबर होगा और उसको मैंने नाम दे दिया है A11, यानी कि मैं उसकी बेसिकली पोजीशन को डिफाइन कर रही हूं मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि A11 में जो ये 11 है, जो पहला वाला 1 है वो डिनोट कर रहा है रो को और जो दूसरा वाला 1 है वो डिनोट कर रहा है कॉलम को। तो अगर मैं बोलती हूं कि A11 एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होता है, कोई नंबर जो मैट्रिक्स के अंदर होता है, तो अगर मैं बोल रही हूँ A11 एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो वो कौन सा है, तो मैं कह रही हूं कि फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर आ रहा है। अगर इसी तरीके से मैं A23 ले लूं, तो मैं पूछना चाह रही हूं कि कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो यानी जो पहला नंबर है वो रो को डिनोट कर रहा है और जो सेकेंड नंबर है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने लिखा है, ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट मतलब नंबर यहाँ पे आएगा A11, यानी पहली रो और पहली कॉलम। तो अब देखो ये क्या है R1 और ये क्या है C1, तो पहला रो है पहला कॉलम है, तो हो गया A11, क्योंकि ये नंबर जो आएगा ये आएगा पहली रो में और पहले कॉलम में। अब इस नंबर पे देखते हैं, ये नंबर पहली रो में आ रहा है, रो तो पहली रहेगी लेकिन कॉलम क्या है चेंज हो गया है, रो 1 है और कॉलम 2 है, तो A12 रो इज 1 कॉलम इज 2। इसी तरीके से A13 भी है क्योंकि रो सेम है और कॉलम 3 है, 1 नहीं है। अब इस तरीके से ये क्या है R2 है, R2 मतलब अब क्या आएगा स्टार्टिंग में 2 2 2, लेकिन कॉलम चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे क्या है कॉलम नंबर 1 तो ये रहेगा A21, जब कॉलम 2 है तो A22, जब कॉलम 3 है तो A23। इसमें रो सेम है कॉलम चेंज होता जा रहा है, इसमें भी रो सेम है और कॉलम चेंज होता जा रहा है। जब हम R1 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला नंबर 1, R2 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर 2। तो इस तरीके से ये सब क्या है इसके एलिमेंट्स। तो इसका यूज कहां पर है, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, अगर आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे पूछा है कि इसमें बताना है कि A21 एलिमेंट कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे, आपको सिंपली पता है फर्स्ट नंबर जो है वो डिनोट करता है रो को, सेकेंड नंबर जो है वो डिनोट करता है कॉलम को, तो यानी कि रो क्या हो गई 2 तो सेकेंड रो में है और कॉलम हो गया 1 तो यानी फर्स्ट कॉलम में है। अब देखो ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये है C1 और ये है C2। तो देखो रो कौन सी है सेकेंड, यानी ये वाली रो में से है, तो यानी इन दोनों में से एक है। अब कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो यानी इस वाले कॉलम में है, तो ये रो है और ये कॉलम है, तो यानी इसका जो एलिमेंट है वो क्या है √3। तो आप इस तरीके से डिफाइन करते हो कि आपको सिर्फ पोजीशन बताई है उसने, आपको नंबर नहीं पता है, सिर्फ पोजीशन से आप डिफाइन कर सकते हो कि वो नंबर कौन सा है इस मैट्रिक्स के अंदर। अब जो हमने ये मैट्रिक्स ली है, तो हमने जो ये मैट्रिक्स ली है इसके अंदर 1 2 दो दो हो गए रोज और कॉलम्स कितने हो गए 1 2 और 3, तो इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। अब इस तरीके से हमारे पास में जो मैट्रिक्स है, अगर हम मान लेते हैं कि उसके अंदर m रोज है और n कॉलम्स है, mn कोई भी नंबर है, तो m रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो अगर हम m इंटू n कर देते हैं तो हमारे पास में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है, तो सिंपली इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास में m नंबर ऑफ क्या है रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है। तो यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वही इक्वल है इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के, जिस भी मैट्रिक्स का हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा। देखते हैं इसमें कैसे पता चलेगा। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितने हैं 2, तो रो हो गए 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3, तो कॉलम 3 है, तो मैंने यही बोला है
कि जब हम रो और कॉलम को इस मैट्रिक्स के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ऑर्डर। तो इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2 × 3। हम इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं, हम हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं, मीन्स 2/3 इस मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर है। तो दिस इज द ऑर्डर। तो हम जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स के इस तरफ लिखते हैं, हम सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख देते हैं और इस मैट्रिक्स के कॉर्नर पे हम लिख देते हैं 2/3 का मैट्रिक्स। हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब मान लीजिए हमारे पास में ये एक मैट्रिक्स है, अब हमें दिख रहा है 1, 2, तो रो कितनी हो गई 2, कॉलम कितने हो गए 1 और 2, कॉलम भी हो गए 2। तो ऑर्डर किसके इक्वल होता है, अगर हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, आरसी, आर मतलब रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, तो रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, तो ये आ गया इसका ऑर्डर। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो वो ऑर्डर के बराबर होता है। तो ये मैट्रिक्स किसकी हो गई, 2/2 की मैट्रिक्स। पहला जो नंबर है वो किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और जो दूसरा नंबर है वो डिनोट कर रहा है कॉलम को। अब हम इसी मैट्रिक्स में कुछ चेंज कर देते हैं, अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया है, इसमें रो कितनी हो गई 1, 2 और 3, कॉलम कितने रहे 2 ही रहे, तो मैट्रिक्स कितनी की हो जाएगी 3 × 2, तो 3/2 का जो है ये मैट्रिक्स हो गया है, रो इंटू कॉलम किया है बस। अगर हम इस तरफ लगा देते हैं तो अब इसमें रो कितनी हो गई है 1, 2, रो तो 2 ही रही, कॉलम कितने हो गए 1, 2 और 3, तो रो इंटू कॉलम कर देते हैं, तो अब जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो इस तरीके से हम क्या है इनके ऑर्डर बनाते हैं। तो अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, सिंपल एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो वो क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 क्या हो गए कॉलम हो गए, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/2। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, रो इंटू कॉलम करना है, रो आपको दिख रही है 2 हो गई और कॉलम भी 2 हो गए, तो ऑर्डर जो है वो 2/2 हो गया। अब इस ऑर्डर को, इसी ऑर्डर से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसी ऑर्डर को जो हमने लिखा है उसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 4, तो यानी कि इसके अंदर कितने हैं 4 एलिमेंट्स। तो आप सिंपल एक मैट्रिक्स को देख के उसकी रो बता सकते हो, उसके कॉलम बता सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर को भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने नंबर इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है 4 एलिमेंट्स, तो 4 ही है, एक ये और एक ये, टोटल 4 एलिमेंट है। तो हमें पता चल जाता है, ऑर्डर भी पता चल सकता है और एलिमेंट्स भी पता चल सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स इस तरीके से होगी, अगर इसके अंदर 3 रो हैं और 2 क्या हो गए कॉलम हो गए, ये हो गया R1, रो 2 और रो 3, ये हो गया C1 और C2, कॉलम 1, कॉलम 2, तो अब जो ये मैट्रिक्स है वो कितने की हो जाएगी 3/2, तो ये हो गई 3/2 की मैट्रिक्स। अब इसका सिंपल ऑर्डर कैसे लिखते हो, रो इंटू कॉलम, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, ऑर्डर ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 × 2 = 6, तो 6 एलिमेंट है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को देख के ऑर्डर बता सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास में। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से है, मैट्रिक्स क्या होता है, रोज और कॉलम्स को हम कैसे देखते हैं इसके अंदर, ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे पता करते हैं किसी मैट्रिक्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।